क्वेश्चन नंबर 36 हमें इंटीग्रेट करना है इसे, जो कि देखने में काफ़ी बड़ा और हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स है। अगर आप इसको t मानते हो ना तो ये तो नहीं बचने वाला। अब मैंने बात कह दी लेकिन आप मत मानना, आप चेक करना पहले। लेट कर लो x प्लस लॉग x इक्वल टू में t, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलेगा, ठीक है, प्लस लॉग एक्स करने पे हमें 1/x मिलेगा, फिर हम x करेंगे तो dx मिलेगा, इक्वल टू में t करेंगे तो dt मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे यहाँ लिख दो क्या dx की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे अगर LCM लोगे, चलो LCM ले लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइड में x इज इक्वल टू dt, ठीक है, LCM ले लिया हमने यहाँ पे। इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको मैंने पीछे लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, बस लिख दिया गलती से। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिली, ये सब कुछ इधर मल्टीप्लाई कर दो, x डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इसके तो ये डिवाइड में जाएगा, और dt डन। dx की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा जो भी एक्स्ट्रा है, देखो होता है कि नहीं होता। इंटीग्रेशन x प्लस 1, ठीक है, इसे हमने t लेट किया है ना, स्क्वायर है मतलब t का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या है x है, x है, ठीक है। dx की वैल्यू क्या निकली है हमारी, x अपॉन में x प्लस 1 dt, ठीक है, dt है, x से x कैंसिल हो गया, ठीक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर से, सॉरी x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बस एक सिंपल सी चीज़ बच गई जो कि है हमारे पास टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पावर में प्लस वन कर दो, 2+1 3 डिवाइड में 2+1 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, पावर में 3 डिवाइड में 3 था तो 1/3 प्लस का सी है, प्लस का सी, ये हमारा आंसर अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके।